सनाखाना ने मुस्तफ़ा, मेहमाना ने दी कदर और जमी हाजरीन सामाइन और अदीदा ने ग्रामी कदर। करोड़ हा मरतबा शुक्र है उस परवरदिगार आलम का कि जिसकी तौफीक और आका अलैहि सलातु वस्सलाम के मुकद्दस और बाबरकत कदमों का सदका। आज हम इस बाबरकत बावकार और इश्क़े मुस्तफ़ा की चाशनी से लबरेज इस अजीम महफिल नात और बज़्मे मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम में हाजरी की सआदत पा रहे हैं। मेरा मालिक हम सब की हाजरी को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। मेज़बानान मजलिस और उनके जुमला मुआविनीन मुतवस्सलीन दामे दिरमे सुखने कदमे जिसने जिस लिहाज से भी आज के इस कार्य खैर में कोशिश की है, अल्लाह पाक सब की काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और यही महफिल हम सब के गुनाहों का कुफारा बन जाए। इन दुआया कलिमात के साथ अपने मौजूब कलाम की तरफ आ रहा हूं जो नहायत समझने और तवज्जो देने के काबिल है। कबल इसके कि मैं उस उन्वान पे आऊं, मजमून शुरू करने से पहले दो फिक्रे आपको दूंगा। कितने बोलिए? दो फिक्रे। और मैं ये बात बड़े वसूक के साथ कह रहा हूं कि जिस शख्स ने मेरे ये दो फिक्रे याद कर लिए वो सुबह अपने दोस्तों को जाकर मेरा पूरा खिताब सुना सकेगा और मेरी पूरी गुफ्तगू इन दो फिक्रों के गिर्द घूमेगी। यानी बार बार मैं आपसे इन्हीं फिक्रों का तकाजा करूंगा, इसलिए ये पहले दो फिक्रे बड़े ध्यान के साथ सुन लें ताकि अगला मजमून समझने में आसानी पैदा हो। पहला फिक्रा ये दे रहा हूं कि कायनात की किसी शय की वजह से है, कायनात की किसी शय की वजह से मेरे नबी को अजमत नहीं मिली। ये आधा जुमला है, आधा जुमला। फिर दोहरा रहा, कायनात की किसी भी शय की वजह से मेरे नबी को मुकाम बोलिए नहीं मिला, बल्कि हर हर शय को मुकाम दर मुस्तफा से मिला है। दोबारा रिपीट करता हूं, दुनिया की किसी शय से, खा वो अदना है या आला, मुझे इससे बहस नहीं, किसी वजह से मेरे रसूल को मुकाम नहीं मिला, बल्कि इस कायनात में जो जिसको जो कुछ मिला है वो बिला ही दर मुस्तफा से है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक फिक्रा याद हो गया, बोलिए दूसरा जुमला सुनिए कि फजीलत हमेशा मिलती है किसी निस्बत से, मुकाम मिलता है किसी निस्बत से, और जितनी बड़ी निस्बत मिल जाए उतना दर्जा बुलंद हो जाता है। यह दूसरा जुमला है, जितनी निस्बत बड़ी हो जाए बोलिए उतना दर्जा ऊंचा बोलिए बुलंद हो जाता है। यह दो जुमले याद कर लिए। अब ये जो दूसरा जुमला है ना,
इसकी मैं आपको एक मिसाल दे दूं ताकि हर शख्स मेरी बात को समझने के काबिल हो। हमारे आका व मौला ताजदारे कायनात से पहले बताइए नबी आए थे कि नहीं, बोल दे पैगंबर आए थे। जाहिर है जब अंबिया आए थे तो उनकी उम्मतें भी थी, क्यों? पैगंबर आता ही उम्मत की इस्लाह के लिए, उम्मत की तरबियत के लिए, उम्मत को जीने का ढंग सिखाने के लिए रसूल आता है। तो जब यह तय है कि हर पैगंबर को उम्मत अता हुई, तो अब मेरा एक सवाल है बारी ताला, जब उम्मतें सारे नबियों को अता हुई तो खैरुल उमम ये उम्मत क्यों? समझेंगे आप जरूर, लेकिन थोड़े चिरके समझेंगे जरूर। हर पैगंबर को उम्मत बोलिए अता हुई, मगर सबसे आला उम्मत जिसे खुदा कह रहा है वो आप हैं। बोलिए वो कौन है? आप हैं। मेरा सवाल है क्यों? क्या ये दर्जा अल्लाह ने हमारी नमाजों की वजह से दिया? जवाब नो में है। क्या ये दर्जा हमारे नवाफिल की वजह से दिया है, हमारे किरदार की वजह से दिया है? नहीं। मैं ये जुमला कहने की जसारत कर रहा हूं कि हमने वो गुनाह भी किए हैं जो शायद पहली उम्मतों को आते हैं। मौला गुनाहगार इतने हैं, खताकार इतने हैं, बदकार इतने हैं, और आला फिर भी हम उधर से एक प्यार बड़ी सदा आती है, लोगों मैंने तुम्हारे किरदार को नहीं देखा, निस्बत यार को देखा है। मैंने तुम्हारे किरदार को नहीं देखा। मैंने तुम्हारे किरदार को नहीं देखा, निस्बत यार को देखा है। तो फिर दूसरे जुमले की यह ताईद हो गई कि जितनी बड़ी निस्बत होगी दर्जा उतना बड़ा होगा। अब दो जुमले याद हो गए ना। अब आइए कुरान मजीद से मैंने एक आयत मुबारका का सहारा लिया है। इरशाद होता है लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर। ए हबीब मुकर्रम, हमने आपकी उम्मत को एक तोहफा अता किया है। तोहफे के तौर पर महबूब आपकी उम्मत को एक रात ऐसी दी है, एक रात ऐसी दी है जो हजार महीनों पर भारी है। उसे आप लैलतुल कद्र कहते हैं ना। बोलिए, मालूम है ना ये कब आती है? रमजान अल मुबारक के आखिरी अशरा की ताक रातों में। फरमाइए लैलतुल कद्र हजार महीनों पर भारी, हजार महीनों की रियादत, हजार महीनों की इबादत, हजार महीनों के सजूदो कयाम एक तरफ रख दो, इस रात का एक सजदा सबसे भारी हो जाता है। एक सजदा सब पर भारी हो जाता है। बंदा सवाल करता है मौला रातें तो सारी तेरी हैं। अब तवज्जो करना, रातें तो सारी तेरी हैं, हर रात का खालिक तू है, इस रात को हुआ क्या था? इस रात में कोई खास फेल हुआ था? मौला जरा पर्दा उठा के बता दे, इस रात को सबसे आला तूने क्यों खाया? हजार महीनों से बेहतर क्यों किया? तो रब सूरत की प्याली आयत में जवाब दे रहा है, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। ऐ हबीबे मुकर्रम, इस रात की फजीलत इसलिए है कि हमने कुरान इस रात को उतारा, हमने कुरान इस रात को उतारा था। इसका मतलब यह निकला कि लैलतुल कद्र को निस्बत मिली कुरान से, लैलतुल कद्र को निस्बत मिली कुरान से।
वो बनी हजार महीनों से बेहतर। और यहां एक बात ये दे नशीद करिए, मत भूलें कि इस रात कुरान जमीन पे नहीं आया था। समझ आ रही है बात? इस रात कुरान जमीन पर नहीं आया था, उतरा कहां था? मुहद्दिसीन और मुफस्सरीन कहते हैं लोहे महफूज से रब्बे कायनात ने इस रात कुरान आसमान दुनिया पर उतारा और वहां पर संभाल लिया था, आसमान दुनिया पर उतार कर, और फरमाया जिब्रील अब तू भी इंतजार कर, मैं भी इंतजार करता हूं, जूं जूं मुस्तफा अपनी अदाएं दिखाता जाए, मुस्तफा जूं जूं अपनी अदाएं दिखाता जाए, हर अदा पर वैसी आयत लेते जाना। हुजूर की हर अदा पर आयत लेते जाना। अब तवज्जो तलब बात यह है कि आयतें तो लैलतुल कादर लोहे महफूज से पहले आसमां पे उतर चुकी, पर रब देखता रहा यार कंकरियां कब मारता। अरे जिसका इंतजार खुदा करे, हमारी लुगत में उसे मुस्तफा कहते हैं, हमारी लुगत में उसे मुस्तफा कहते हैं। इधर एक जंग के मौके पर वाकिया नहीं सुनाना, ना वाकिया की तकरीर मुझे आती, नकात दूंगा, इशारों से आगे गुजरूंगा, जो भाग के मेरे साथ शामिल होगा उसी को समझ आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उसी को समझ आएगा। कंकरियां मुस्तफा ने फेंकी काफिरों की तरफ, रब्बे कायनात ने फरमाया जिब्रील जल्दी कर, बहाना बन गया। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। जिब्रील जल्दी कर, बहाना बन गया है। अब वो आयत जो लैलतुल कदर को उतरी थी वो ले जा। वमा रमैता इद रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, वो मुस्तफा जो पत्थर तूने मारे हैं वो तूने नहीं, तेरे खुदा ने मारे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, वो तो तेरे खुदा ने मारे। अब खुदा इंतजार में था, मुस्तफा कब सहाबा से बैत हुए? वो दरख्त के नीचे सहाबा मुस्तफा के हाथ पर बैत कर रहे थे, उधर से सदाई जिब्रील मौका जाने ना पाए। वो आयत जो लोहे महफूज से उतारी थी वो आज ले जा। इन्नल्लज़ीन युबायउन इन्नमा युबायउन अल्लाह यदुल्लाह फौका अयदीहिम। ए मेरे सहाबा मुस्तफा के सहाबा सुन लो, जो दस्ते मुस्तफा पे बैत कर रहे हो ये देखने में हाथ मुस्तफा का है, हकीकत में हाथ खुदा का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाल्लाह। ये देखने में हाथ मुस्तफा का है, हकीकत में हाथ खुदा का है। तो पता ये चला कि जूं जूं हुजूर अदाएं करते गए रब का कुरान उतरता रहा, तो इसका मतलब ये निकला कि लैलतुल कद्र की रात कुरान को निस्बत जमीनी हासिल नहीं। तवज्जो चाहता हूं, निस्बत समावी हासिल है। वो लोहे महफूज से उतारा गया, सुनिए, लोहे महफूज से उतार कर पहले आसमां पर मुंतकिल कर दिया। अगला नुक्ता काबिले गौर है। अब इतनी बात हम समझ गए कि लैलतुल कद्र की फजीलत कुरान की निस्बत है, और वो बन गई हजार महीनों से, बोलिए, बेहतर। अब एक सवाल कुरान से भी कर लेते हैं कि ऐ कुरान बता तू आया कहां था, कुरान तू उतरा कहां था? तो कुरान पुकार पुकार के कहता है लोगों, मेरा बर्तन दिले मुस्तफा है, मेरा बर्तन दिले मुस्तफा है, मैं हुजूर के सीधे में आया था, मैं हुजूर के दिल पे आया था। अगर आप इजाजत दें मैं यहां रुक के एक अकीदे की बात करना चाहता हूं। अकीदा दुरुस्त है तो नमाजें कबूल, अकीदा दुरुस्त है तो रोजा कबूल,
अकीदा दुरुस्त है तो बैतुल्लाह का तवाफ कबूल, वरना तेरे नसीब के चक्कर है ये तवाफ, तेरे नसीब के चक्कर है ये तवाफ नहीं। तो आओ सुनो, एक होती है शय, एक होता है बर्तन। तवज्जो चाहता हूं, अकीदे की बात सुनो, एक होती है शय, एक होती है उस जिसके अंदर होती है उसे क्या कहते हैं, बर्तन। अच्छा, ये जग में पानी पड़ा ना आपके सामने, मिसाल देना अल्लाह की सुन्नत है, जग में बोलिए क्या पड़ा है, यार बोल दो, पानी पड़ा है। अच्छा, पानी का काम है बह जाना, पानी की फितरत में बहना, पानी की माहियत में बह जाना, पानी कभी रुका नहीं करते, इधर पानी उड़ेला उधर पानी चल पड़ा। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, अगर 2 घंटों से पानी जग में कैद होकर बैठा है तो कमाल पानी का दे, शायद तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, कमाल पानी का, बोलो कमाल पानी का नहीं, कमाल जग का है, इसलिए कि पानी तब सलामत है अगर जग सलामत है। और पानी की खातिर जग को सलामत मांगने वालों, आओ तुम्हें बताऊं ये 2 जग कैसे सलामत हैं, ये 2 जग कैसे सलामत हैं, ये भी किसी की जिंदगी से साबित हैं। तो पता ये चला कि शय उस वक्त तक सलामत रहती है जब तक बर्तन सलामत रहता है। अभी जग टूट जाए तो स्टेज वालों के कपड़े भी भीग जाएंगे, अभी जग टूट जाए तो सारा पानी स्टेज पर बह जाएगा। तो पानी सलामत तब है, जुमला मेरा सुनिए, पानी सलामत तब है जब जग सलामत है। तो पता चला कि शय सलामत तब रहती है जब बर्तन सलामत है। कुरान कहता है मेरा बर्तन मुस्तफा का सीना है, कुरान कहता है मेरा बर्तन मुस्तफा का सीना है। कुरान कल भी सलामत था, कुरान आज भी सलामत है, कुरान कल भी सलामत होगा, कुरान कयामत तक सलामत रहेगा। और कुरान को सलामत मानने वालों, कुरान को सलामत बाद में कहना रब्बे कायनात की इज्जत की कसम, कुरान तब सलामत है कि गुंबदे खदरा में मुस्तफा सलामत है, कुरान तब सलामत है गुंबदे खदरा में मुस्तफा सलामत है। और मेरे नबी को मुर्दा कहने वालों सुनो, खुदा की इज्जत की कसम, अगर मेरा नबी मर गया होता तुम्हारे हाथों से कुरान निकल गया होता। ये कुरान की सलामती इसलिए है कि 14 सदियां बीत गई, मुस्तफा कल भी जिंदा था, मुस्तफा आज भी जिंदा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, तजनीद मिलादुल नबी, तजनीद मिलादुल नबी। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, आला हजरत बोल दे, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला, मेरी चश्मे आलम से। तो दूसरा नुक्ता ये बताया कि कुरान का बर्तन दिले मुस्तफा है। अब एक बात का और फैसला करना है, फिर मेरी बात आगे बढ़ेगी, एक बात का और फैसला मेरा ईमान करेगा, सामाइन करेंगे कि मैंने कहा था जितनी बड़ी निस्बत, फिक्र आ गया ना, आप भूल गए, मैंने कहा था फिक्र बार बार आएगा, जितनी बड़ी उतना बड़ा मुकाम। अब फैसला ये करना है कि कुरान आला है या नबी का वजूद आला है। अब इस बात का पहले फैसला करना है, फिर अगला एक लजीज जुमला दूंगा, सुनिए, मैं 2 बातें करूंगा सिर्फ, कितनी, 2 बातें, पता चल जाएगा कि कुरान और मुस्तफा में दर्जा किसका बुलंद है, दर्जा किसका बुलंद है।
सुनिए, सबसे पहली बात यह करना चाहता हूं कि हर पैगंबर किसी पर किताब आई है तब भी, किसी पर 10 सफात का सहीफा आया है तब भी, किसी पर 1 पेज का सहीफा आया है तब भी, हर पैगंबर किताब के पीछे चला है। ध्यान मेरी तरफ है आपका, सुभान अल्लाह, हर पैगंबर किताब के बोलो पीछे चला है। खुदा की इज्जत की कसम, एक मेरा रसूल है, एक मेरा आका है जो कुरान के पीछे नहीं चला, कुरान मुस्तफा के पीछे चला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो कुरान के पीछे नहीं चला, बोलिए कुरान मुस्तफा के पीछे चला है, और आगे चलने वाला हमेशा आला होता है। बेशक बेशक बेशक, बहुत हो बहुत हो। आगे चलने वाला हमेशा आला होता है, तो पता चला वो मेरी पहली फिक्रा को याद करो, मैंने कहा था दुनिया की किसी शाह की वजह, वाह वाह वाह, मेरे रसूल का मुकाम नहीं मिला। अगर किसी को दर्जा मिला है तो निस्बत मुस्तफा से मिला है, तो फिर मुझे कहने दो कि कुरान की वजह से मेरा रसूल आला नहीं, रसूल की वजह से कुरान आला हो गया। सुभान अल्लाह, कुरान की वजह से मेरा नबी आला वो बोलो नहीं है, बल्कि कुरान उम्मुल किताब ही तब बना जब निस्बत दिले मुस्तफा की मिल गई, जब निस्बत दिले मुस्तफा की मिल गई। अब यहां एक और बात करना चाहता हूं, अल्लाह पाक ने जिस पैगंबर को भी किताब दी है, अब मैं सारों की बात करने के मेरे पास वक्त नहीं, एक मिसाल दे के आगे बढ़ जाऊंगा, एक मिसाल देकर। मूसा अलैहिस्सलाम का नाम सुना हुआ है ना, सुभान अल्लाह, बोलिए, जब तौरात देने का वक्त आया, रब्बे कायनात ने फरमाया मूसा तुझे किताब देना चाहता हूं, तौरात देना चाहता हूं, बारी तला कोई बात नहीं, मैं भी लेना चाहता हूं, मैं भी लेना चाहता हूं, पर मूसा घर छोड़ना पड़ेगा, बारी तला छोड़ देता हूं, मूसा सफर करना पड़ेगा, बारी तला कर लेता हूं, फरमाया तूर पे आना पड़ेगा, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, तूर पे आना पड़ेगा, मौला आ जाता हूं, आ जा, घर को छोड़, बीवी बच्चों को छोड़, सफर कर, तूर पे आ, तुझे तौरात देता हूं। अरे मूसा को तूर पे बुला के तौरात देता, सुनिए सुनिए, मूसा को तूर पर बुला के तौरात देता है, जब बात ज़हरा के बाबा की आए, जब बारी हसनैन के नाना की आए, जब बारी ताजदारे कायनात की आए, फरमाया मेरे रसूल तुझे घर से नहीं निकालना, तुझे घर से, तुझे भी किताब देनी है ना, तुझे भी किताब देनी है, तुझे ना घर से निकालना है, तुझे ना सफर करवाना है, तुझे ना तूर पे बुलाना है, समझो समझो मैं क्या कह रहा हूं, तुझे ना तूर पे बुलाना है। ऐ मेरे रसूल, बकिया किताब जहां होती थी नबी वहां आता था, जहां किताब होती थी नबी वहां आता था, महबूब तेरी शान ये है जहां तू होगा कुरान वहां आएगा। एक बात पूछना चाहता हूं, उलमा मौजूद है, ये जो कुरान की मक्की मदनी सूरतें हैं, बताइए ये खुदा ने बना के भेजी थी? नहीं, ये उसने नहीं बनाई, ये निस्बत यार ने बनाई। फरमाया महबूब रहती दुनिया तक लोगों को बताऊंगा कि जहां मुस्तफा था कुरान वहां आता था, महबूब जो मक्का में आएगा उसे हम मक्की बना देंगे, जब तू मदीना जाएगा तो कुरान का मक्के में काम क्या है, कुरान का मक्के में काम क्या है, महबूब तू मक्का में होगा कुरान मक्का में आएगा, तू मदीना में जाएगा कुरान मदीना में जाएगा, तू कभी गार में होगा तो कुरान गार में आएगा, तू जंगे ओहद में होगा कुरान जंगे ओहद में होगा, तू बदर में आ जा कुरान बदर में आएगा, तू खंदक में आ जा कुरान खंदक में आएगा,
तू मुस्तफा मदीना की किसी गली में आ जा, कुरान मदीना की गली में आएगा। और मेरे ताजीदार मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, कभी तेरा सर आयशा सिद्दीका की गोद में हुआ तो कुरान आयशा सिद्दीका की गोद में आएगा, कुरान आयशा सिद्दीका की गोद में आएगा। तो पता चला कि मेरा नबी कुरान के पीछे नहीं गया, जिधर जिधर नक्शे कदम मुस्तफा के गए कुरान उधर उधर गया। बोलिए कुरान उधर उधर गया। अब इतनी बात से हम इस नतीजा पर पहुंचे कि मेरे रसूल से कुरान आला बोल दे नहीं है, बल्कि कुरान आला हुआ ही तब है कि उसकी निस्बत मुस्तफा से हुई। कुरान की अफजलियत निस्बत मुस्तफा से है, कुरान का दर्जा निस्बत मुस्तफा से है। और उस कुरान की जब निस्बत एक रात से हो जाए, अब मैं ला चुका हूं आपको जहां लाना चाहता था, अब आपको ला उस मुकाम पे ले आया हूं। अब गौर तलब बात है, मौला जिस रात कुरान उतरे वो रात हजार महीनों से बेहतर है। वो तवज्जो है, तवज्जो है, सुनिए जुमला सुनिए, जिस रात कुरान उतरे वो रात हजार महीनों से बेहतर, क्योंकि उसकी निस्बत कुरानी है। अब गौर करना है वो 12 रबीउल अव्वल की रात, वो 12 रबीउल अव्वल की रात जिस रात कुरान नहीं आया, वो आया है जिसमें कुरान आया। 12 रबीउल अव्वल की रात वो आया है जिसमें कुरान आया है। 12 रबीउल अव्वल की रात मिलाद मुस्तफा की शब है। तो मेरा वो फिक्र आपको याद होगा, जितनी बड़ी निस्बत, जितनी बड़ी निस्बत, मैंने कहा था बार बार ये फिक्र आएगा, जितनी बड़ी निस्बत उतना बड़ा दर्जा। उस रात को निस्बत कुरान है, वो बनी लैलतुल कद्र, हजार महीनों से आला, हजार महीनों से आला। घर जाके आप सोचते रहना, मैं बबांगे दोहल और ना डर होकर ये जुमला कहने की जसारत कर रहा हूं, खुदा की कसम जिस रात कुरान आए वो रात हजार महीनों से आला है। और वो 12 रबीउल अव्वल की रात जिस रात मुस्तफा आए वो हजार लैलतुल कद्र से आला, वो शब मिलाद मुस्तफा, हजार लैलतुल तो बोल दो, आप पे कोई फतवा नहीं लगाता, मिनहाजुल कुरान के होते आप क्यों डरते। हमने जो हर फतवे का ठेका उठा रखा है, हर फतवे का ठेका उठा रखा है। सुनिए रब्बे कायनात की इज्जत की कसम, हजार लैलतुल कद्र से आला वो रात अफजल है जिस रात कुरान। अच्छा, अगर आपको ज्यादा फतवे का डर हो तो मैं आपकी बरात ना कर दूं ताकि आप बच जाएं। बोलिए, बचा दूं आपको, हमें बचाना भी आता है। चलो हम ऐसी शख्सियत का हवाला देते हैं जो आलम इस्लाम का सांझा पीर है, और उसका नाम है हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, सांझे पीर है ना। बोलिए, आपकी किताब उठाइए मोमिन के माहो साल, सफा नंबर 48 पर यही कुछ लिखते हैं जो अभी तक मैंने बयान किया। लोग अब हम बच गए, अब किसी ने उंगली उठाई तो शाह अब्दुल हक पे उठाएगा, उन पे उठाएगा, हम छोटे बच गए। ये सियानफ पुना होता है, पंजाबी में कहते हैं सियानफ पुना, ये सियानफ पुना होता है जिथे डाढ़ा वक्त आए ना, आप पीछे हो गए बड़े हो गए कर दो, बड़ों को आगे कर दिया। शाह अब्दुल हक मुहद्दस दहलवी लिखता है, खुदा की कसम कोई मुझसे पूछे तो लैलतुल कद्र से अफजल वो रात है जो आमद मुस्तफा की रात है। डाल के रखा करो, अब यहां एक बड़ी पते की बात बताऊं, बड़ी पते की, और आप बड़े माजूद होंगे। सुनिए, इन बच्चों को चुप करवा दें, ये जो पास बड़े बैठे हैं ना, इन बच्चों को चुप करवा दें आप।
सुनिए, आपके घरों में भी बच्चे पैदा होते हैं, सारों के घरों में बच्चों की पैदाइश होती है। आपसे कोई पूछे कि भाई आपका बेटा बेटी कब पैदा हुआ था, तो आप कहेंगे या रात को या दिन, ऐसे ही कहेंगे ना। अगर कोई कह दे जनाब रात को भी हुआ था और दिन को, तो उसे पागलखाने भेजोगे कि नहीं, भाई ये कम से कम क्षमता वाला में रहने के काबिल नहीं है, तेरा घर पागलखाने होना चाहिए। भाई पागल इंसान बच्चा तो एक बार पैदा होता है ना, या दिन का नाम ले या रात का ले, या कहे रात के 10 बजे हुआ था या कहे दिन बजे दिन के 2 बजे हुआ था, ये दिन रात में बच्चा पैदा कैसे हो सकता है। आओ, इस धरती पर एक विलादत ऐसी भी है जो सारी धरती से अनोखी है, जो सारी धरती से अनोखी है, और वो विलादत मुस्तफा है, जिसकी रात भी गिनी जाती है, जिसका दिन भी गिना जाता है। अच्छा, 12 रबीउल अव्वल को हम कहते हैं ये शबे विलादत है। ये क्या है? शबे विलादत है। और 12 रबीउल अव्वल के दिन को कहते हैं ये यौमे विलादत। बारी ताला कैसे? उठाइए इमाम जलालुद्दीन सयूती को, किसी मौलवी का नाम नहीं ले रहा, ये वो शख्सियत हैं जिनको जागते हुए 72 मरतबा मेरे नबी ने दीदार करवाया, जागती आंखों के साथ दीदार मुस्तफा हुआ। आप फरमाते हैं कि जब हुजूर की विलादत का वक्त करीब आया ना, चंद दिन रह गए, तवज्जो है, जब आप थक गए मुझे बता देना, जब विलादत के चंद दिन रह गए तो रात ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला तेरा महबूब आ रहा है, ऐसा कर ये दौलत मेरे दामन को अता कर। रात ने दुआ मांगी कि मौला तेरा हबीब रात को पैदा हो, रब ने फरमाया जा मौज कर, तेरी दुआ को कबूल कर ले, तेरी दुआ को कबूल कर लिया। जब रात की दुआ कबूल हो गई तो दिन रो पड़ा, तो उसने कहा मौला मेरा तो हशर हो जाएगा, सारी बल्ले बल्ले तो रात की हो जाएगी, मुझे तो कोई पूछेगा नहीं। भाई उसकी आप दो मिसालें सामने रख लेना, शबे बरात आप रात को मनाते हैं या दिन को, जड़े उस रात जाग दियो तो बोलो शबे बरात, सारी रात आप नवाफिल पढ़ते हैं, नमाज तस्बीह पढ़ते हैं, और सुबह फजर की नमाज पढ़ के आप सो जाते हैं, क्योंकि शबे बरात का कोई ताल्लुक दिन के साथ नहीं है। इसी तरह लैलतुल कद्र है, आप सारी रात खत्मे कुरान की महफिल करते हैं, तरावी पढ़ते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, दिन को रोजा रखकर सो जाते हैं, क्योंकि लैलतुल कद्र का कोई ताल्लुक दिन के साथ नहीं है। इसीलिए तो दिन रोया कि मौला अगर फकत रात मिलाद मुस्तफा की हो तो रात को लोग जुलूस भी निकालेंगे, देगे भी पकाएंगे, माफले भी करेंगे, और सुबह सो के गुजार दे, मेरे तो पल्ले कख ना रहा, मौला थोड़ा कर मुझ पे भी कर। रब ने फरमाया तुझे भी शामिल करता हूं, ऐ दिन तुझे भी शामिल करता हूं। जिब्राइल अमी को बुलाया, फरमाया जिब्रील मेरी बारगाह में दोनों की एप्लीकेशन आ गई, दरखास्तें दोनों की आ गई हैं, और मैंने महबूब का सदका दोनों पे साइन कर दिए, दरखास्तें दोनों की कबूल कर ली हैं, अब ऐसा कर थोड़ा सा हिस्सा रात का ले। तवज्जो चाहता हूं, यहां मैं एक बड़ी अजीब बात कहने वाला हूं, थोड़ा सा हिस्सा रात का ले लो और कुछ लम्हे दिन के ले लो, दोनों के वक्त को मिलाकर एक नूर पीर का वेला बना दो। ये पुराने बुजुर्ग इस सुबह सादे के वक्त को क्या कहते थे, बोलिए नूर पीर का वेला, हमें अभी भी समझ नहीं आई। वो जिस नबी के विलादत की चंद घड़ियां जिस वेले को नूर बना दे, और जिस पहाड़ पर मुस्तफा चंद लम्हे रुक जाए और वो जबले नूर बन जाए, जरा बता उस नबी के अपने नूर का आलम क्या होगा। अल्लाह सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हाथ उठा के नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। नूर पीर का वेला बना और उस वक्त मुस्तफा का मिलाद हो,
कि शब मिलाद भी कयामत तक के लिए बन जाए, यौम मिलाद भी कयामत तक के लिए। लेकिन यहां जो अजीब बात कहना चाहता हूं हुजूर, वो काबिल तवज्जो है, बड़ी काबिल तवज्जो है। और आओ दुख दिखाऊं कि विलादत के वक्त रब पैगाम क्या दे रहा है। उस पैगाम को आज हम भूल गए। हमें मिलाद तो याद रहा, हमें मिलाद तो याद रहा, मगर वो पहले पैगाम को भी भूल गए जो खुदा ने शब विलादत हमें दिया। उस तरफ हमारा ध्यान नहीं है, आज थोड़ी देर उस तरफ ध्यान करते हैं। अल्लाह ने एक तरतीब रखी है, क्या? और मैं कबल इसके के तरतीब बताऊं, सबसे पहले तरतीब की अहमियत बताता हूं ताकि पता चले कि तरतीब से काम हट जाए तो दोनों काम बेड़ा गर्क हो जाते हैं। मिसाल दूं उसकी, बताइए वुजू और नमाज ये एक अमल है या दो? बोल दो यार, अगर नेड़े बैठे हो तो बोल दो। वुजू और नमाज कितने अमल है? अच्छा, दोनों आपस में मिलते हैं? नहीं, कोई एक रुकन भी नहीं मिलता। ना पूरे वुजू में कयाम रखू सजदा है, ना पूरी नमाज में मुंह में पानी डालना, नाक में पानी डालना, हाथ धोना है। यानी दोनों अमल यकसर मुनफरद, लेकिन तरतीब क्या है यह बताना चाहता हूं। तरतीब क्या है कि पहले वुजू करो। क्या तरतीब है कि पहले फिर नमाज पढ़ो? भाई इसी तरह होती है ना। और अगर कोई बंदा मस्जिद में आए और जमात जा रही हो, इमाम हो आखिरी तहयात की रब्बी जालनी वाली दुआ पर, और बंदा कहे यार काम तो दोनों करने हैं ना, मैं दौड़ के पहले जमात में शामिल हो जाता हूं, नमाज पढ़ लेता हूं, बाद में वुजू कर लूंगा, तो बताइए नमाज तो हो जाएगी ना उसकी? आप इख्तलाफ कर सकते हैं, इल्मी इख्तलाफ जायज, मुखालफत ना करना, इल्मी इख्तलाफ जायज है, इल्मी इख्तलाफ जायज है। मेरा मौकफ है हो जाएगी, आपका मौकफ है नहीं होगी। अगर मैं इस पर आपसे मुनाजरा करूं तो यकीनन जीतेंगे आप, यकीनन जीतेंगे आप। चलो मैं पहले ही मान जाता हूं, आपके मौकफ की तारीद करता हूं कि नमाज हमारी नहीं होगी। अब जो कहता है नहीं होगी, मेरा सवाल है क्यों? क्यों? कि उसने रब की बनाई हुई तरतीब को बदला है। उस रब की बनाई हुई तो तरतीब बदल जाए तो कख पल्ले नहीं रहता। सुनिए सुनिए सुनिए, तरतीब बदल जाए तो कख पल्ले नहीं रहता। अब आओ मिलाद की तरतीब पर, अब आओ मिलाद की तरतीब पर। अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि जिब्रील दिन जा रहा हो, तवज्जो तवज्जो, दिन जा रहा हो और रात आ रही हो तो दोनों वक्तों को मिलाकर महबूब का मिलाद कर दे। अगर यह वक्त होता ना तो मगरिब का टाइम बनता। कौन सा टाइम बनता? मगरिब का टाइम बनता। लेकिन मेरे अल्लाह ने तरतीब क्या रखी है? फरमाया जिब्रील रात जा रही है। इसमें एक पैगाम है और वो पैगाम ही मिलाद का मा हासिल है। हमें मिलाद याद रहा मगर पैगाम भूल गए, पैगाम भूल गए। सुनिए, फरमाया कि रात जा रही हो और दिन आ रहा हो, वजह क्या थी? गोया इशारा इस तरफ था कि उस वक्त कुफर का अंधेरा था, जुल्मत का अंधेरा था, ना इंसाफी का अंधेरा था, करप्ट लोगों का अंधेरा था, लुटेरों का अंधेरा था, गुंडों का अंधेरा था। रब्बे कायनात ने फरमाया ऐ जिब्रील रात जा रही हो ताकि मिलाद मुस्तफा का पहला लम्हा उम्मत के लिए बशारत बने कि अब जुल्म का खात्मा होगा और सुबह की किरण ऐसी फूटेगी कि अगर मेरा नबी होकर यह कहेगा कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती मोहम्मद उसके बिहार। इस अदल का सवेरा तलू करना था। ओ सीरत की बातें करने वालों, ओ सीरतों पे खिताब करने वालों, हमें सीरत में नमाज तो याद रही मगर सीरत का पहला दरस याद ना रहा। हमें सीरत में रोजा तो याद रहा पर सीरत का पहला दर्स याद ना रहा। हमें सीरत में हज तो याद रहा। सुनो,
मेरे नबी की 40 साल की उम्र के बाद नमाज मिली, रोजा मिला, ज़कात मिली, हज मिला, लेकिन अदल की मेराज कब मिली? जब हुजूर हलीमा के भंगूड़े में थे। इंसाफ की भीख कब मिली? जब हुजूर हलीमा के भंगोड़े पगोड़े में थे। सुनिए कैसे तबकात इब्ने साद में आता है, आप फरमाते हैं कि हुजूर हजरत हलीमा सादिया की एक साइड का दूध पीते थे। सुना हुआ है ना, एक साइड का दूध पीते थे, दूसरी साइड को मुंह ना लगाते। बड़े होकर किसी ने हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह कभी भूख नहीं भी उतरती होगी तो आप दूसरी साइड का दूध क्यों नहीं पीते थे? मेरे नबी ने फरमाया, मैं दुनिया को अदल देने आया हूं। अदल, वो अदल, वो सीरत है जो मुस्तफा ने झूले में दी है, जो मुस्तफा ने गोद में दी है, गोद में दी है। सुना वो सीरत क्या है? फरमाया, मैं दुनिया को अदल देने आया हूं। चूंकि हलीमा का एक मेरी उम्र का बेटा अपना भी, मैं एक पिस्तान का खुद पीता था, एक का उसके लिए छोड़ देता था, एक का उसके लिए छोड़ देता था। तो पता चला कि नमाज से पहले अदल मिला, रोजे से पहले अदल मिला, ज़कात से पहले अदल मिला, हज्जे बैतुल्लाह से पहले अदल मिला। लेकिन आज आपका मुआशरा अदल और इंसाफ से खाली नजर आता है, हमारी सोसाइटी अदल और इंसाफ से खाली नजर आती है। कोई गरीब का बच्चा, कोई गरीब का बच्चा किसी को मैली आंख देख ले, उसकी 6 माह जमानत नहीं होती। झूठ कहूं तो मुझे रोक देना, उसकी 6 माह जमानत नहीं होती। और बड़े 14-14 कत्ल भी कर ले तो उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता। वजह क्या है? वजह क्या है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो 14-14 कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। वजह क्या है कि ये मुआशरा उस सीरत से खाली हो गया जो सीरत मुस्तफा ने अपने विलादत के वक्त अता की। ये सीरत को हम भूल गए, ये सीरत को हम, यहां मुझे एक बात याद आ गई, अगर याद हो तो कर दो, मजमून से थोड़ी हट के है लेकिन जिंदगी में आपको फायदा देगी, जिंदगी में फायदा देगी। अभी आप 2-4 माह पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान की धरती पर हर दूसरे दिन जलजला आया, आया कि नहीं आया? अभी चंद बार पीछे, कभी सवात में, कभी कश्मीर में, कभी जनाब पशावर में, कभी आपटाबाद में, सारा कुछ आप टीवी पे हर वक्त देखते रहते हैं। मेरा सवाल है, ये जलजले क्यों आते हैं? सिर्फ मिलाद पे ना जाओ, इस पैगाम मिलाद की तरफ भी जाओ। आज हम मिंबरों पर बैठकर कहते हैं नमाजी बन जाओ, जलजले आ रहे हैं, रोजेदार बन जाओ, जलजले आ रहे हैं, हाजी ज़काती बन जाओ, जलजले आ रहे हैं। खुदा की इज्जत की कसम, बेनमाजियों की वजह से जलजले नहीं आते, बेरोजों की वजह से जलजले नहीं आते। आओ पूछते हैं सैयदना फारूक आजम से कि जलजले क्यों आते हैं? आपके दौर में एक दफा जलजला आया था मदीना की धरती पर, एक रिवायत में आता आपने अपनी एड़ी जमीन पर मारी, एक रिवायत में आता अपना डंडा जमीन पे मार कर कहते हैं जमीन क्यों हिलती है? क्या उमर ने तुझ पे अदल नहीं किया? जमीन क्यों हिलती है? क्या उमर ने तुझ पर अदल नहीं किया? तो पता ये चला कि बेनमाजियों की वजह से जलजले नहीं आते, जिस मुआशरे से अदल खत्म हो जाए उस मुआशरे में जलजले आया करते, वहां जलजले आया करते हैं। तो आओ वापस आ जाओ, आपको बहुत दूर ले गया हूं, फिर वापस आके फिर आगे चलते हैं। तो लैलतुल कदर को निस्बत थी, बोलिए, कुरान से। वो बनी हजार महीनों से बेहतर, शब मिलाद को निस्बत वजूद मुस्तफा से है। अब ये रात हजार लैलतुल कदर से अफजल। अब थोड़ी बात करते हैं दिन की, फिर इसी दिन पे गुफ्तगू को समेटूंगा। पीछे मारूफ सना खान है, आपको मदद करेंगे इंशाल्लाह। आज कंसेप्ट ये दिया जाता है ना कि ईदें दो हैं इस्लाम में, बोलिए, ये कंसेप्ट दिया जाता है ना। आओ कुतुब हदीस में चले,
सौदा वही अच्छा है जो जहरा के बाबा की मार्केट से मिलता है। सौदा वही अच्छा है। उस दर के सुदागर बनो, उस शहर के भिखारी बनो। मैं हदीस एक पढ़ूंगा, हदीसें कितनी पढ़ूंगा, दूसरी नहीं पढ़नी, दूसरी नहीं पढ़नी, हदीस एक पढ़ूंगा, ईदें 48 साबित होंगी। अब दो का तसव्वुर कहां जाएगा भाई, वो दो शरी ईदें हैं, उन पर को तो इनकार किसी का नहीं है। मैं ईद मुसरत की बात कर रहा हूं, हदीस एक पढ़ता हूं, ईदें 48 साबित होती हैं। कैसे? मेरे आका ने फरमाया, उठाइए अबू दाऊद शरीफ, उठाइए जामे त्रिमदी शरीफ, ये वो हदीस की किताब है। मुहद्दिसीन कहते हैं जिस घर में जामे त्रिमदी पढ़ी हो ना, वो यूं समझे कि हुजूर मेरे घर में रहते, वो यूं समझे कि हुजूर मेरे घर में रहते। आका ने फरमाया मेरे सहाबा, अल्लाह ने आप पे एक और कर्म कर दिया है यार रसूल अल्लाह, क्या? फरमाया रब्बे कायनात ने मेरी उम्मत की खातिर हर जुमे का दिन ईद बना दिया है। हर जुमे का दिन, अब साल में कितने जुमे आते बोलिए ना, चलो घर जाके कैलकुलेटर पे हिसाब लगा लेना, 48 जुमे कितने, 48 जुमे। आका ने फरमाया हर जुमा ईद का दिन है, हर जुमा क्या है, ईद का दिन है। भाई आप पढ़े ना पढ़े है ईद, आप जुमा का इस्तेमाल करें ना करें, मगर है ईद। आका ने फरमाया हर जुमे का दिन अल्लाह पाक ने मेरी उम्मत की खातिर ईद बना दी। अब से आबा ने पूछा या रसूल अल्लाह हर दिन के ईद बनने के पीछे कोई वाकया है, जुमा को क्या हुआ था? सहाबा सवाल करते हैं जुमा को क्या हुआ था, हुजूर ने फरमाया कि जुमा वो दिन है जिस दिन हजरत आदम का मिलाद हुआ था। जुमा का वो मुबारक दिन है जो हजरत आदम की विलादत का दिन। अब मेरा वो फिक्रा भूल गए होंगे आप कि जितनी बड़ी निस्बत, जितनी बड़ी निस्बत उतना बड़ा मुकाम। जुमा का दिन आदम की विलादत का दिन है और 12 रबीउल अव्वल का दिन विलादत मुस्तफा का दिन है, तो जितनी बड़ी निस्बत होगी उतना मुकाम बड़ा होगा। तो फिर मुझे कहने दो, अगर हर दिन से अफदल जुमा है तो जुमा से अफदल 12 रबीउल अव्वल का दिन क्यों? कोई पूछे क्यों, उसे बता दो जितनी बड़ी निस्बत उतना बड़ा दर्जा। सना खां तशरीफ ले आए हैं, आखिरी बात करके गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं, लंगर की बात सुना दूं आखिर, सुननी जरा खुश हो जाए लंगर खाने वाली कौम। मुबारक हो लंगर, आपके मुकद्दर में है, कभी 11वीं की खीर कभी 12वीं का हलवा, कभी 12वीं का हलवा। सुनिए मिलाद मुस्तफा पे लंगर पकाना ये सुन्नत मुस्तफा है। इमाम आजम के एक शागिर्द गुजरे हैं इमाम मोहम्मद, क्या नाम है इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह। भाई आखिरी बात है बड़ी तवज्जो के साथ और आपके चस्के के लिए दे रहा हूं। आपने अनवारे सातिया में यह पूरा वाकया तहरीर फरमाया है, अनवारे सातिया में आका अलैहिस्सलाम के एक सहाबी थे हजरत उकबा बिन आमिर रजी अल्लाह तआला, क्या नाम था, हजरत उकबा बिन आमिर। आपको मालूम है कि अरब में लोगों के दो ही रोजगार थे, या तजारत करते थे या बकरियां चराते, यानी या बकरियां पाल के गुजारा करते थे या तजारत करके गुजारा करते। हजरत उकबा बिन आमिर की बकरियां थी, बकरियां पालते बेचते फिर आगे बच्चों का पेट पालते। अचानक बकरियों को बीमारी पड़ गई। भाई तवज्जो है, आखिरी जुमले हैं और पूरा माह हासिल गुफ्तगू का लंगर पे खत्म कर रहा हूं। बकरियों को अचानक बीमारी पड़ गई। हजरत उकबा बिन आमिर हुजूर की बारगाह में आए, आका की बारगाह में, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियों को बीमारी पड़ गई है, लिहाजा आप दुआ फरमाएं कि मेरी बकरियों को शिफा मिल जाए। क्योंकि उनका अकीदा यह था कि दुनिया का सबसे बड़ा मुश्किल कुशा खुद मोहम्मद मुस्तफा है, अकीदा यह था।
हुजूर सहाबा से मजाक भी करते थे क्या, और हर वेले मुंह ते वट पाना दीन नहीं, कदे कदे हंस लेना भी दीन, और हुजूर मजाक करते थे, और अदब और शरीयत के दायरे में रहकर एक दूसरे से मजाक करना ये सुन्नत मुस्तफा है। आका ने मजाकन कहा उकबा अगर मैं दुआ करूं और तेरी बकरियां बच जाएं और सौ से बढ़ जाएं सुभान अल्लाह तो बता मुझे कितनी देगा। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान तवज्जो तवज्जो बताओ उन बकरियों में मुझे कितनी देगा। उकबा बिन आमर फरमाता है या रसूल अल्लाह फिर फिक्र याद कर लें कि आपके लब से सौ निकल चुका है, अगर सौ बकरियां मेरी बन गई तो पांच बकरियां जनाब दो। सुभान अल्लाह हुज़ूर ने फरमाया है तो थोड़ी पर चलो कोई बात नहीं गुजार कर लेंगे। अल्लाह का करना ऐसा हुआ मेरे नबी ने हाथ उठाए। अब ये अकीदा तो किसी मुनाफिक का होगा ना कि मेरा आका हाथ उठाए और रब तकदीर ना बदले, रब तकदीर ना बदले, बकरियां इतनी बड़ी इतनी बड़ी इतनी बड़ी कि 150 के ऊपर चले गए। सुभान अल्लाह। लेकिन उकबा बिन आमर बात भूल गए कि मैंने तो किसी से वादा भी किया था पांच बकरियां देने का, बड़ी मजेदार बात है, बड़ी मजेदार बात है, और कच्ची बात करना मेरे उस्ताद ने मुझे सिखाया नहीं है। वाह 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 वाह। जो कह के जाऊंगा जिंदगी भर जिम्मेदार हूं, जिम्मेदार। 10 मुहर्रम का दिन था, अपने दिन याद रखना, कौन सा दिन था बोलिए कौन सा, 10 मुहर्रम का आका ने रोजा रखा, अशूरा का, बाद सहाबा ने भी रखा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिलाल मदीना शहर में ऐलान कर दे आज जिस जिस का रोजा है आज मोहम्मद के दस्तरखान पे इफ्तारी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह वाह बहुत। इससे ये बात भी निकलती है कि लोगों के घरों से फकत खाना सुन्नत नहीं, कभी कभी घर से खिलाना भी सुन्नत। सुभान अल्लाह। सिर्फ नजराने लेना सुन्नत नहीं है, कभी कभी देना भी सुन्नत है, देना भी सुन्नत है। सहाबा आगे रोजा खोलने, उनमें उकबा बिन आमर भी थे, उनमें हजरत उकबा बिन आमर भी थे। हुजूर की नजर जब उन पे पड़ी ना फरमाया खड़ा हो जा। हजरत उकबा बिन आमर खड़े हो गए। आकर सलाम ने फरमाया बकरियों का क्या बना, हुजूर माशाल्लाह आपकी दुआएं रंग ले आई, इतनी बढ़िया कि 150 से क्रॉस कर गई। आका ने फरमाया तेरी का नहीं पूछा। वाह 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 वाह। तेरी का नहीं पूछा, बहुत वो जो मुझसे वादा किया था उनका क्या बना। हुजूर माफी चाहता हूं भूल गया था, सुबह पांच बकरियां आपके दर दौलत पे हाजिर हो जाएंगी, पर यार रसूल अल्लाह आप लेके करेंगे क्या। और पूछते हैं आप बकरियां लेकर करेंगे क्या। हुजूर ने फरमाया मैं ज़िबह करके सहाबा को लंगर खिलाऊंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब सुनिए, यहां तक रिवायत अनवारे साफिया में है, यहां तक रिवायत अनवारे साफिया में है, इसकी आगे शरा की है इमाम जलालुद्दीन सुयूती। अपना ख्याल दार करते अपना। अच्छा उकबा बिन आमर फरमाते या रसूल अल्लाह फिर आप ये जहमत ना करें, आप कल आए मेरे घर, मैं पांच बकरियां दिबा करता हूं, देगे पकाता हूं, गोश्त तैयार करता हूं, आप सहाबा को लेके आए राज के खाएं, लंगर तैयार होगा। खुदा की इज्जत की कसम सुनो मिलाद बनाने वालों, कि मिलाद का लंगर कहां लिखा है। वाह 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 वाह। यहां लिखा है, सुभान अल्लाह, यहां लिखा है। आका ने फरमाया ठहर जा, तेरी दावत को कबूल कर ले, पर ये दावत करेंगे रबीउल अव्वल में। वाह वाह वाह। अगर तुम्हारे उत्तो लंग गई गल कोई बात नहीं, ये दावत करेंगे रबीउल अव्वल में। इमाम सुयूती बोला कि यहां सवाल पैदा होता कि 20 दिन मुहर्रम के रहते थे, 30 दिन सफर के, कितने बन गए ये 50 दिन सहाबा को गोश्त खिलाने में इंतजार क्यों करवाया। सवाल तो बनता है ना, 50 दिन सहाबा को इंतजार क्यों करवाया। इमाम सियूती का कौल देकर खुदा हाफिज, इमाम सियूती फरमाते हैं खुदा की कसम मेरा दिन ये कहता है, मेरा तजस्सुस से कहता है कि मुस्तफा ने रबीउल अव्वल का नाम इसलिए लिया था कि उकबा तू बकरे दिबा करना, हम आकर खाएंगे, तेरी दावत हो जाएगी, मोहम्मद का मिलाद हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरी दावत हो जाएगी मोहम्मद का,
तो ये लंगर पकाना सुन्नत मुस्तफा हो गया। वबा अलैना इल्ला। नारा तकबीर, नारा रिसाल। बहुत ही खूबसूरत अंदाज से खिताब फरमा रहे थे। और किबला ने जहाँ पे हुजूर वाला जहाँ पे आपने छेड़ के छोड़ दिया वहीं से छेड़ता हूँ। जे मौला न मारे तो दुखे नहीं मरदे, जे मौला न मारे तो दुखे नहीं मरदे, जो तर होण अंदरों ओ सुखे नहीं मरदे। जफर जेड़े खांदे न मिलादा दा लंगर, तजर्बे दी गल ले ओ भूखे नहीं मरदे। जफर जेड़े खांदे न मिलादा दा लंगर। और आपने जो तज़किरा है सुबह और शाम किया उसको पकड़ के मैं भी एक बात करता हूँ कि 12 रबीउल अव्वल रोज सोमवार था। भाई 12 रबीउल अव्वल रोज सोमवार था, रात और दिन में यही तकरार था। दिन ये कहता था मुझको सआदत मिले, रात कहती थी मुझको ये इज्जत मिले। कश्मकश थी दोनों के दरमियान, दोनों के दरमियान जब था नूरी समा, उस वक्त उस लम्हे उस घड़ी उस साथ करम बनकर अता बनकर सखा बनकर वफा बनकर खुदा का नूर उतरा लामकान से मोहम्मद मुस्तफा बनकर। खुदा का नूर उतरा लामकान से मोहम्मद मुस्तफा बनकर। आज एक निराली बात, पहली मरतबा यहाँ पे हाजिरी है किबला मेरी, आज एक निराली बात इन लोगों की जबीनों पे लिखने वाला हूँ। पता नहीं कौन तवज्जो कर रहा है और किसके बातों सर से गुजर रही है, लेकिन तवज्जो करो। दामन में ना बड़ी बड़ी बात लिखने वाला हूँ, तवज्जो कीजिए हजरत। आपने बड़ी मोहब्बत से